हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो सुबह का टाइम हो रहा था तो बस मैंने यहाँ पे चाय बना रही हूँ। तो आप देख सकते हो कि मैं एक साइड कुकर रखा हुआ है, तो मैंने कुकर पे रख दी है राजमा और आलू, और यहाँ पे मेरी बन चुकी है चाय। तो बस सुबह का ब्रेकफास्ट जो मैं इसमें बनाऊंगी पोहे, तो देखिएगा। बस मैंने यहाँ पे 3 प्याज और 1 टमाटर लिया है और कुछ लहसुन लिए मैंने, तो मैं इनको अच्छे से छील लूँगी और छीलने के बाद मैं इनको कट करके धो के फिर मैं मिक्सी पे ग्राइंड करूँगी, क्योंकि मेरे पास ना वो वाली मिक्सी नहीं है तो मैं इसी पे ही करती हूँ। तो बस मैं इस पर अच्छे से ये ग्राइंड कर दूँगी। तो बस मैंने कट करके डाल दिया है। तो देखिए मेरी प्याज जो थी वो ग्राइंड हो चुकी है। तो बस मैंने यहाँ पे बना रही थी पोहे, तो मैं पोहे की वीडियो ऐड नहीं कर पाई। मेरी वीडियो 2-3 जगह से कट हो गई है और आगे भी कट हुई है। तो बस मैंने यहाँ पे पोहे बना रही थी, तो बता देती हूँ कि मैंने पोहे कैसे बनाए। तो मैंने एक आलू डाला था इस पर, आलू कट करके, मैंने प्याज नहीं डाली थी, मैंने आलू और 2 मिर्ची और जीरे से इसका जो छौंका लगाते हैं ना, तो मैंने जीरे से लगाया था। तो बस फिर इसके बाद मैंने पोहे धुल के और इसमें धनिया 1 चम्मच डाली थी और हल्दी पाउडर डाला था बस, और नमक डाला था, मैंने इतने ही डाला था। सिंपल सा पोहा बनाया था। तो मूंगफली के दाने डाल के भी बना सकते हो आप, कड़ी पत्ता डाल के, तो बट मैंने तो आलू डाल के ही बनाया है। तो बस मेरा पोहा बन चुका, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं कर लूँगी चाय को गरम, और चाय जब तक गरम होगी तो मैंने इस पर डाल दिया कुछ नमकीन, जो वो सिंपल वाली नमकीन होती है ना, सेव वाली, वो डाली मैंने, क्योंकि ना पोहे में अच्छी लगती है नमकीन। तो बस मैंने डाल दी नमकीन और यहाँ पे मैं छान लूँगी चाय। तो बस मैंने चाय छान ली है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे पोहे कितने अच्छे बने हैं, तो आप भी एक बार ट्राई करिएगा। तो देखिए मेरी चाय भी बन गई है, तो आइए आप भी पी लीजिएगा चाय। तो देखिएगा मेरी बन चुकी है चाय। अब बस अब मैं बनाऊंगी राजमा की सब्ज़ी। तो मेरी बहुत बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी, आप भी बनाइएगा, देखिए मैं कैसे बनाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पे राजमा की बनाऊँ सब्ज़ी। तो मैं देखो यहाँ भी मेरी वीडियो कट हो गई थी, मैंने ना एडिट करते टाइम ही कट हो गई थी। तो बस मैंने यहाँ पे तेल डाला था, तेल डालने के बाद मैंने यहाँ पे डाला था जीरा, फिर इसके बाद मैंने एक पत्ता डाला था। तो बस मैंने एक खड़ा पत्ता डाला, इसके बाद मैं इसे मेरे जो प्याज मैंने किस के रखी हुई थी ना, तो वो डाल दी है। और बस जैसे वो प्याज हो चुकी थी, तो मैंने इस पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी रखा था मेरे पास, तो वो भी डाल दिया था मैंने। और फिर इसके बाद डाल दी थी टमाटर, उसमें मैंने मसाला में टमाटर के साथ ही डालती हूँ। तो बस मैं टमाटर डाल दिए थे, जब टमाटर हो चुकी थी तो मैंने इस पर डाल दी राजमा और आलू। तो बस तो मेरे राजमा और आलू डाल के फ्राई कर लिया था, और फिर मैं इसी के साथ ही नमक डाल दी थी, तो मैंने नमक भी डाल दिया था। बस अब मैं यहाँ पे डाल देती हूँ, उसी का जो पानी था ना मैंने वो डाल दिया, क्योंकि मैं साफ जैसे रात में गला के रख देती हैं, तो सुबह मैं उस साफ पानी से धुल के फिर मैं कुकर पर रखती हूँ। तो वो वाला पानी मैं इसी पे डाल देती हूँ, क्योंकि वो पानी ऐड करने के बाद ना बहुत कलर भी अच्छा आता है और टेस्टी भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो बस देखो मेरे राजमा कितना अच्छा बना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, मेरे राजमा की सब्ज़ी बहुत बहुत अच्छी बनी थी। तो बस यहाँ पे बन गई मेरी राजमा की सब्ज़ी। और मैं यहाँ पे मुझे कुछ रोटी सेकनी थी, क्योंकि मेरे डैडी जी जाएंगे ड्यूटी, तो उनको लंच लगाना होता है। तो बस उनके लिए मैंने रोटी सेक दी थी, क्योंकि आज लोगों की छुट्टी है तो ये ड्यूटी नहीं जा रहे हैं, तो बस संडे है तो इस वजह से, तो बस डैडी जाएंगे ड्यूटी, बस इसके बाद मैंने यहाँ पे सेक ली रोटी। तो मुझे सेकने के बाद मैं लगाऊंगी टिफ़िन। मैं पूरी रोटी नहीं सेकूंगी, कुछ मैं इनके लिए तो मैं दोपहर को ही सेकूंगी, क्योंकि जब खाएंगे तभी सेकूंगी, अभी तो कोई खाएगी नहीं। तो बस
यहाँ पे मैं बना लेती हूँ रोटी। तो फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ मेरी पूरी वीडियो देखा करिएगा, क्योंकि जो भी अगर आपको कुछ मेरी वीडियो में गलती नज़र आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस चीज़ का सुधार करूँगी। तो बस देखिएगा, तो बस मैंने यहाँ पे बना लिया, मैं यहाँ पे लेंस लगा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।